नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं हूँ विपुल पोसातर। स्वागत है आपका आज के हेडलाइंस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस के साथ। यूपी के हमीरपुरा जिले में दो घटनाओं में 42 गायों की हुई मौत। रागोल रेलवे स्टेशन के पास एक पैसेंजर ट्रेन ने 36 गायों को काट दिया, तो वही जलालपुर पुलिस स्टेशन के पास गायों से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसमें 6 गायों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। शुक्रवार को आतंकियों ने कश्मीरी घाटी में एक बार फिर से ग्रेनेड हमला कर दिया। यह पिछले 24 घंटे में कश्मीरी घाटी में तीसरा आतंकी ग्रेनेड हमला है। शुक्रवार को आतंकियों ने श्रीनगर के एक घंटा घर लाल चौक के पास और शोपिया में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हुआ रोटी प्रदर्शन। सीतामढ़ी में नीतीश की सभा में महिलाओं ने रोटी के साथ नारेबाजी कर हर किसी को हैरान कर दिया। मंच पर केंद्रीय मंत्री आर के सिंह भी मौजूद थे। मेलबर्न वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से मात देकर भारत ने कंगारुओं की धरती पर पहली बार कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज में जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी में वही पुरानी झलक देखने को मिली, जब वह टीम इंडिया को अपनी दमदार पारियों से जीत दिलाते थे। 36 साल की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कुल 193 रन बनाए और उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच का मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए डेमोक्रेटिक नेताओं द्वारा फंड न दिए जाने पर डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हो गए। नाराज ट्रंप ने संसद के स्पीकर की विदेश यात्रा रद्द की। शतरंज के खेल में डी गुकेश बने सबसे युवा चेस ग्रैंड मास्टर। इंडिया टुडे की खबर ट्वीट कर पीएम मोदी ने भी दी बधाई। शतरंज की चाल में दिग्गजों को पछाड़ने वाले डी गुकेश ने महज 7 साल की उम्र में ही चेस खेलना शुरू किया था। फॉक्सवैगन कंपनी ने अपने कारों में प्रदूषण के आंकड़े ना दिखे, इसके चलते एक सॉफ्टवेयर लगाया गया था, जिसके चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने फॉक्सवैगन कंपनी को 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। केरल सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले साल सितंबर में भगवान अयप्पा के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी शीर्ष अदालत द्वारा हटाने के बाद इस आयु वर्ग की 51 महिला श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए सबरीमाला मंदिर में प्रवेश किया है। इसी के साथ आज के हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए साइबर फैमिली के साथ। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।